दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, यानी कि जो भी फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी ओपिनियन ये होती है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पैसे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली, एंड लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न कर सकते हैं। एंड आप ये रिटर्न बैंक एफडी के थ्रू, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू, इसके थ्रू अर्न नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है, फिर आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है। आप मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपके पैसे को म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं वो मैनेज करते हैं। एंड यहाँ पे उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। उनका काम ही यही होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बाय करना है, ओवरऑल कस्टमर को कैसे बेनिफिट देना है, एंड इसके बदले में वो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं ईयरली बेसिस पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जितना जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, आप उतना ज़्यादा रिटर्न अर्न करते चले जाते हैं। यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप बहुत जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर देंगे, तो आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अपने रिटायरमेंट के टाइम पे उस 1000 पर मंथ से 1 करोड़ तक का भी कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर कोई पर्सन 20 साल के एज में हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो अपने रिटायरमेंट के टाइम तक कितने पैसे बिल्ड कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन 30 ईयर के एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होगा। अगर कोई पर्सन 40 ईयर के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो उनका क्या रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। एंड अगर कोई पर्सन 50 ईयर के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो उनका क्या कॉर्पस होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों, अपना एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम 1000 रुपया हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली। तो यहां पे मैं सिंपली गूगल पे सर्च कर लेता हूं कि पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न्स दिया हुआ है, उस रिटर्न को हम एवरेज मान के चलेंगे। तो यहां पे मैं गूगल पे सिंपली सर्च कर लेता हूं हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, एंड यहां पे आपको बहुत सारे वेबसाइट का लिंक देखने मिल जाएगा। मैं सिंपली पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देता हूं एंड ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये बेसिकली दोस्तों मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, जहां पे आपको म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डेटा देखने मिल जाएगा। यहां पे सबसे पहले कॉलम में अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या नाम है वो दिया हुआ है, फिर उस म्यूचुअल फंड कंपनी की क्या रैंकिंग है वो दी हुई है, फिर उस म्यूचुअल फंड कंपनी में कितने लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है वो दिया हुआ है, उसके बाद इनका रिटर्न्स दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न, 2 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न एंड 10 ईयर रिटर्न्स। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी ने पिछले 5 से 10 साल में क्या रिटर्न दिया हुआ है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर ऑन एन एवरेज की बात कर ले, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 14-15% के अराउंड में हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 14% भी नहीं मानेंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जनरल तौर पे 12% के अराउंड में रिटर्न अर्न करते हैं। अब ये 12% से ज़्यादा भी हो सकता है एंड 12% से कम भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे आप अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी का थोड़ा रिसर्च करके पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर एंड इस एग्जाम्पल को सिचुएशन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे 4 अलग अलग इंडिविजुअल है, यानी कि 4 अलग अलग लोग हैं। इन चारों का मकसद सेम है कि वो हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। कब तक इन्वेस्ट करेंगे? अप टू द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट, यानी कि जब उनकी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी, तब तक वो 1000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड यहां पर हम रिटायरमेंट के एज को 60 ईयर मान के चलते हैं। एंड यहां पर हम ये भी मान के चलते हैं कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड जो रिटर्न है वो हम मान के चलते हैं कि हर साल का 12% का रिटर्न वो अर्न करने वाले हैं। एंड हमने रिटर्न को ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दोस्तों हम चारों इंडिविजुअल का रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये 60 साल तक पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो इनके इन्वेस्टमेंट का क्या वैल्यू होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन इस टेबल को पूरा समझने के बाद में हम फिर से एक थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेंगे कि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना अर्न कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहला इस टेबल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है एज एट विच इंडिविजुअल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कितने उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं।
सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्टेड, यानी कि आप कितने साल तक इन्वेस्ट करते जाते हैं। एंड थर्ड कॉलम में लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि आपने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। एंड फोर्थ कॉलम में लिखा है टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का टोटल रिटर्न आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन 20 साल के उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट के एज तलक, यानी कि 60 साल तलक, तो जब वो टोटल 40 साल पैसे इन्वेस्ट करेंगे तब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर वो 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 40 साल में इनके इन्वेस्टमेंट जो टोटल होगा वो होगा 480,000। एंड यहाँ पे हम मान के चले हैं कि म्यूचुअल फंड अगर 12% का रिटर्न देता है तो इनका जो टोटल रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड होगा वो होगा 1,18,82,420, यानी कि 1 करोड़ से भी ऊपर का इनका कॉर्पस होगा सिर्फ 1,000 रुपये अगर वो इन्वेस्ट करते हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। एंड यहाँ पे कोई पर्सन अगर 30 ईयर के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि वो 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर वो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल में वो टोटल 3,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होंगे। एंड यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 12% मान के चलते हैं, तो 60 साल की उम्र में इनका जो टोटल रिटायरमेंट का कॉर्पस होगा वो होगा 35,29,914। एंड यहाँ पे अगर कोई पर्सन 40 ईयर के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट तो 20 साल पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। एंड अगर वो 20 साल 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल उन्होंने 20 साल में जो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो होगा टोटल 2,40,000 रुपीज़। एंड जब उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो इनके रिटायरमेंट का जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 9,99,148 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 10 लाख के अराउंड का। एंड सिमिलरली अगर कोई पर्सन 50 ईयर के एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो 10 साल पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी। एंड वो 10 साल अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल जो इनका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,20,000। एंड 60 साल के उम्र में इनके इन्वेस्टमेंट का जो टोटल वैल्यू होगा वो होगा 2,32,339 रुपीज़। यहाँ पे दोस्तों सब लोगों ने 1,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, लेकिन जिसने पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है उनका रिटर्न, उनका आप टोटल कॉर्पस देख सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब दोस्तों सारे कैलकुलेशन को हम सिंपली गूगल पे भी ऑनलाइन कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ताकि आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस इजिली कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों आप हर महीने जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको SIP कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल पे सर्च कर दूंगा SIP कैलकुलेटर एंड यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट के लिंक खुल जाएंगे। एंड मैं ये वाले लिंक पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है SIP कैलकुलेटर एंड यहाँ पे हमसे सबसे पहला पूछा है कि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करने वाले हैं, तो हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ का सिर्फ करने वाले हैं। फिर यहाँ पे पूछा है इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि आप कितने साल तक पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरी एज 20 साल है तो मैं टोटल 40 साल तक पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली 40 लिख देता हूँ। आप अपने एज के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा है कि आपका एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न कितना है, यानी कि आपको एनुअल रिटर्न कितना मिलेगा, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ था कि हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं। एंड यहाँ पे पूछा है कि आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली नो कर देंगे। अब दोस्तों हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस कैलकुलेशन का पूरा समरी बन के आया है कि आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1,18,82,420, यानी कि 1.2 करोड़ के अराउंड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा। आपने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 4,80,000। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने एज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को। एंड इस SIP कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप टोटल कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं।